रचना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। क्या एक बड़े शर्त के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में वापसी हो सकती है? क्या वो कई बड़ी शर्तें रख करके भी कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल इस समय राजनीतिक जानकारों के भीतर जो है चर्चा का विषय बना, और इसी खास मुद्दे पर आज इस रिपोर्ट में बात करेंगे। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंचती है और उस यात्रा के पहुंचने के बाद जो राहुल गांधी का आप कह सकते रवैया रहता है, उसको देख करके यही कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। हालांकि ये बात सच भी है, कांग्रेस की तरफ से लगातार इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा नेता जो पार्टी को काफी ज्यादा यहाँ पर लाभ दिलवा सकता है सीटों के लिहाज से, तो वैसे नेता को कोई भी सियासी दल पार्टी में वापसी के लिए जरूर तमाम प्रयास करेगा, और यही कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। लेकिन बीजेपी इस पूरे खेल में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है। अब देखिए कि अब इस बात की भी चर्चाएं शुरू हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान की जगह उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। और दरअसल ये सारी चीजें इसलिए भी की जा रही है क्योंकि बीजेपी इस वक्त आप कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहती, और इसी वजह से लगातार ये जो है जो विषय इस वक्त लगातार छिड़ा हुआ है उसका कारण यही माना जा रहा है। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस की पूरी रणनीति की बात की जाए तो ये बेहद ही मुश्किल नजर आता है। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये बड़ा है कि कांग्रेस पार्टी में वापसी करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो जिम्मेदारी है वो क्या दी जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो पहले से ही कमलनाथ उस बड़े पद को लेकर के लगातार अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए कोई जगह बचती नहीं है। और अगर कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को पीछे करेगी तो फिर वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो राजस्थान में देखने को मिल रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। तो ये पूरा मामला कांग्रेस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हालांकि माना यह जा रहा है कि जरूर इस तरीके के प्रयास किए जाते रहे, पहले भी और अभी भी किए जा रहे हैं, किसी भी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पहले तक कांग्रेस में वापसी करवा ली जाए, जिसका फायदा उन्हें राजनीतिक रूप से जो है वो देखने को मिले। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।